वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, गुरु सवारियो, साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो ते वीडियो नूं शेयर जरूर करियो। अज आपां गल करांगे एक नवे व्याहे जोड़े दे बारे। ज्यादा समा ना खराब करदे होए चलो लै चलदे हां तुहानूं उस वीडियो वल। व्याह वाली रात अजिहा की होया कि लाड़ा चीका मारदा होया कमरे विचों बाहर आ गया अते सच जदों सामने आया तां सारा परिवार अते पिंड तंग रह गया। इलाका मिर्जापुर, जिला पटियाले दे रहण वाला अजीत सिंह ढिल्लो अते लड़का सुरजीत सिंह ढिल्लो दा विआह अकालगढ़ रहण वाले हरजीत सिंह गरेवाल दी लड़की नवनीत कौर गरेवाल दे नाल तय होया। दोनों परिवार इस रिश्ते तो काफी खुश सन। अजीत सिंह ढिल्लो कपड़िया का एक वड्डा व्यापारी सी अते उन्हां दा लड़का उन्हां दे नाल ही कपड़िया का व्यापार करता सी। सुरजीत सिंह मां बाप का एक लौता पुत्र सी, इसलिए उसका विआह काफी ठाठ वाठ नाल करना सी। अते दूजे पासे हरजीत सिंह भी घरों काफी वधिया इंसान सी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं सी। उन्हां दी धी नवनीत कौर भी काफी खूबसूरत लड़की सी, पर लोकां दे मूंह कित्थे बंद रहिंदे ने। कई लोगों ने यह भी गल कही कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पर लड़के विच अजिहा की देखिया कि रिश्ता पक्का कर दिता। यह सब कुछ चंगे पैसे कारण होया होगा। वह कहते ने कि जिन्हां दे कोठी दाने उन्हां दे भी कमले सियाने। अजिहियां गल्लां लोग आपस दे विच करदे रहिंदे सन, पर किसे दी भी परवाह किते बगैर दोनों परिवारों की रजामंदी नाल विआह पक्का हो गया। थोड़े ही समय विच उन्हां दा विआह कर दिता गया। सारे परिवार इकट्ठा हो गए, रिश्तेदार भी पहुँच गए। विआह काफ़ी धूमधाम दे नाल होया, दोनों परिवार काफ़ी खुश सन। विआह तो बाद सारी रस्मां भी बड़ी खुशी दे नाल निभाईयां ते विआह तो बाद सारे रिश्तेदार भी आपो अपने घरे चले गए। विआह तो कुछ महीनों बाद शाम 8 बजे सुरजीत अपने कमरे विचों डर के बाहर भज्या। उसके चेहरे ते डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा सी। पसीने नाल ओह इस तरह भिजा होया सी जिवें नहा के आया होवे। घर वाले भी घबरा गए कि अजिहा लड़के नूं की होया जो ओह इन्ना डरिया होया है। माँ बाप ने पुछया कि पुत की होया, पर सुरजीत सिंह कुछ भी नहीं बोल रहा सी। पिता ने फिर पुछया कि पुत की होया, पर वह कुछ भी नहीं बोलिया, बस अपने कमरे वाल देखी जा रहा सी। घर वालिया ने जो कमरे दे विच जाके देखा तो देखते ही सारे तंग रह गए, क्योंकि कुछ महीने पहला आई उन्होंने घर विच एक लोती पखे नाल लटक रही सी ते वह इस दुनिया नूं सदा दे लई अलविदा कह गई। पर यह सब कुछ क्यों होया ते किवें होया किसी नूं कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा परिवार ते पिंड दे विच सोग दी लहर चलन लगी। हर कोई इस घटना तो दुखी सी। सब यही सोच रहे सन कि नवी व्याही नूं आत्महत्या करन दी की लोड़ पै गई। कईयां ने कहा कि शायद बहू इस विआह तों खुश नहीं सी, उस दी मर्जी दे खिलाफ यह विआह होया होवेगा, इसलिए उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अते लड़की दे परिवार नूं यकीन नहीं हो रहा सी कि उन्हां दी लड़की अजिहा कर गई। जदों इस घटना बारे पुलिस नूं जानकारी मिली तां पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी करन दे लई घटना वाली थां ते पहुंच गए ते लड़की दी लाश नूं अपने कब्जे दे विच लै लिया। अपनी तसल्ली दे लई पुलिस ने पूरे घर दे विच जांच कीती ते परिवारिक मैंबरां रिश्तेदारां ते पिंड वालियां तों पूछताछ कीती गई ते पूछताछ तों बाद इक अजिहा सच सामने आया जिस बारे किसी ने भी सोचा तक नहीं सी। पुलिस ने परिवारिक मैंबरां नूं दस्सिया कि उन्हां दी नूं नवनीत कौर ने आत्महत्या नहीं कीती सी, सगों उस दी हत्या कीती गई सी अते उस दी हत्या नूं आत्महत्या दा रूप देण वाला होर कोई इंसान नहीं सगों उन्हां दा अपना लड़का सुरजीत सिंह ढिल्लो है। अते दोनों परिवार वाले इस गल नूं मनण तों बिल्कुल इनकार कर रहे सन, पर जदों पुलिस ने गवाह पेश कीता अते सुरजीत सिंह नाल सख्ती दे नाल पूछताछ कीती गई तां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उस दिन सुरजीत सिंह ने घर तो बाहर जाण दा बहाना लगाया अते लुक छिप के घर दे पिछले दरवाजे तो घर दे विच अंदर आया तां कि कोई उस नूं देख ना सके। उसने कमरे विच आ के अपने घर वाली दे सिर दे उत्ते किसी भारी चीज नाल वार करके उस नूं बेहोश कर दिता, जो कि पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट दे विच यह साबित होया है कि सिर ते किसी भारी चीज दे नाल वार कीता गया ते फिर उसने बैड दी चादर नूं पखे दे नाल बन के
अपनी घरवाली नूं लटका दिता ते बेहोशी विच ही उसकी मौत हो गई। अते ओह इस तरह लुक छिप के ते उस नूं घर दे पिछले दरवाजे तो निकलदा गुआंढियां दे एक बच्चे ने देख लिया ते ओह मुड़ उसे वक्त अगले दरवाजे तो घर दे विच वापिस आ गया अते उसने कहा कि मैं अपना मोबाइल कमरे दे विच भुल गया सी। अते कमरे दे विचों बाहर आके ओह जान बुझ के ड्रामा करन लग्या तां जो सारिआं नूं उसकी गल ते यकीन हो जावे, पर अपनी नवीं व्याही घरवाली नूं मारन दे पिछे वजह की सी। इस बारे उसने दस्या कि उसकी घरवाली हर समय फोन ते लगी रहिंदी सी, पता नहीं किस दे नाल गल्लां करदी रहिंदी सी। जदों मैं उसनूं पुछदा तां ओह कहिंदी सी कि घरों मम्मी दा फोन आया है या फिर भैण दा फोन आया है, पर ओह झूठ बोलदी सी, पर ओह किसे होर बंदे नाल गल्लां करदी सी। पर पुलिस ने जदों इस बारे जांच कीती तां पता लग्गिया कि नवनीत कौर अपने घरवालियां नाल ही गल करदी सी, किसे अनजाण व्यक्ति नाल नहीं। जांच तो यह भी पता लग्या कि सुरजीत दिमाग तौर ते थोड़ा असंतुलित है, जो कि निक्की निक्की गल नूं वड्डा बना लैंदा है, जिस कारण पिंड दे लोकां नाल उस दी घट ही बनदी सी अते हर वक्त ओह लड़ाई दे मूड विच ही रहिंदा सी। पर इक शक ने किसे दी धी नूं मौत दे घाट उतार दिता। इस तरह दी वीडियो देखण दे लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो ते वीडियो नूं शेयर जरूर करियो। नवीं वीडियो लैके जल्द ही आवांगे, उदों तक दे लई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।